तुझे गिला नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने साथ गिला रहेगा ना, अगर मैंने तुझे मरने से पहले तेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया। जब से मैं अपनी औकात में वापस आया हूँ, मुझे लोगों की बातें बुरी नहीं लगती। मैंने सारा प्लान करके रखा है और तुम्हारे एक मिनट जाया करने से ना मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। सफीना, सफीना। इस सब खींचातानी में मीडिया वाले ये सारा मंजर कैप्चर कर लेते। ओह माय गॉड, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते इस खबर के आग की तरह फैल जाने के बाद तुम कहां खड़े होते। स्वीटी बहुत सेल्फिश है और किसी हद तक जालिम भी। वो अपने मतलब के लिए किसी को भी कहीं भी और किसी भी तरह यूज कर सकती है। बी केयरफुल। मुझसे आकर मिलना। पासे अनायतुल्ला खान साहब, यहाँ पर रहने की इजाजत तुम्हें देने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर अपना कंजर खाना। हमारा मतलब है कि नाते दिन यहाँ भी खोल लो। हैं? जुबान संभाल के बात करो फजलदीन, क्या हो गया तुम्हें? मियाँ, हमारी जुबान के संभालने का मशवरा देने से पहले ये अपना बाजा बाजा संभालिए। ये हम यहाँ पर सब कुछ नहीं चलने देंगे। क्यों भाई? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। देखें भाई साहब, आप हमारे उस्ताद मोहतरम के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और ये आप ठीक नहीं कर रहे। अरे ओ नोने हालो, अबे छोटे छोटे से बच्चों बालिकों, तुम्हें नहीं पता हमने अपने पीछे बहुत सारे लोगों को रोक रखा है। वो तो इनके साजो सामान के साथ इनको बाहर फेंकना चाहते हैं। तुम मुझे क्या किस तरह यहाँ से बाहर फेंक सकते हो? हैं? मेरा काम किस तरह रोक सकते हो? मैं भी तुम्हारी तरह सरों की तरह किराया देता हूँ यहाँ। ओ मास्टर जी, किराया यहाँ सब लोग देते हैं। लाल मेंशन हम सब का है, हम यहाँ का माहौल खराब नहीं होने देंगे। तो और क्या, वो तुम्हें याद है ना, इसी मेंशन की चौथी मंजिल के पिछले चुबारे में एक तवाइफ आकर के पिछले साल रही थी और उसके दोनों बेटों ने बिल्कुल इसी तरह का धंधा चमकाने की कोशिश की थी। पूरे मोहल्ले ने मिल करके धिक्के देकर उसको निकाला था। हाँ जी, मेरा काम उस मकरूह धंधे के साथ मला रहे हैं? ऐसे ही शुरुआत होती है मास्टर अनायतुल्ला खान साहब। अभी तो आपने कंजर खाने की तख्ती बाहर लटकाई है और अंदर इन लौंडों पर अपना मिरासीपन बराबर उंडेल रहे हो। कल को ये धंधा भी शुरू कर दोगे तुम? बेटी, तो एक अदब तुमने जाने किस कोने खुदरे से निकाल ली है। खबरदार अगर तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। मास्टर जी, अल्लाह जाने वो आपकी बेटी है भी या नहीं। तो और क्या, क्या पता किसको घर में घुसा रखा है, हैं? साझेदारी का कारोबार चमकाने के लिए कि बाप बनकर मैं तुझे ठिकाना देता हूँ और तू बेटी बनकर कमा कर मुझे खिला। वाह भाई वाह। बकवास बंद करो। क्या हुआ? वो बाजी मास्टर साहब। क्या मास्टर साहब? मास्टर साहब के साथ हम साया अच्छा नहीं कर रहे। क्यों, क्या हुआ? आप जल्दी वहां जाएं। वाह वाह, डिठाई तो देखिए मास्टर इनायतुल्ला खान साहब की। हैं भाई, कहते हैं कि मैं किराएदार हूँ यहाँ का,
कोई इन्हें किसी काम से मना तो करे। भाई माना कि आप यहाँ पर किराएदार हैं, पर मालिक के मकान तो नहीं। ऐसा ना हो कि हम सब एक तरफ हो जाएं और मालिक के मकान से शिकायत करके तुम्हारा बोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल करवा दें। फजलदीन, तुम मास्टर जी के साथ ये ज्यादती क्यों कर रहे हो? ये कोई गलत काम नहीं कर रहे। बस बस नहीं बैठ, मास्टर कितने हिमायत मत कर वरना तेरा बोरिया बिस्तर भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। क्या हो रहा है ये सब? चलो आ गई ये भी, भाई इसकी कभी थी बस। और इसका भी पता करो कहाँ जाती है, कहाँ से आती है ये। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है ये सब? आप सब हमारे घर में शोर क्यों मचा रहे हैं? अब्बा क्या हुआ? अब्बा आप रो क्यों रहे हैं? क्या कहा है आपने इनसे? हमने ये कहा है कि बंद करो ये गाना बजाना और उतारो जो बाहर तख्ती लगाई हुई है। ये ऑर्डर सिर्फ मेरे अब्बा के लिए क्यों है? बाहर दुकान और होटल पे हर वक्त गाने बजते रहते हैं। शाम होते आप सबके घरों में टीवी ऑन हो जाता है जिसके शोर से हम नहीं सो पाते। मैंने उसे बंद करवाए जाके। ओ बीबी, हम अपने घरों में जो मर्जी करें, तुम कौन होती हो बंद करवाने वाली? तो आप लोग कौन होते हमारे घर के मामले में बोलने वाले? ये हमारा घर है, जो दिल चाहेगा हम करेंगे। ये घर घर नहीं है। हाँ, जहाँ पर कारोबार चलते है ना, वो घर घर नहीं रहते। और देखो, अगर आज आपके बाप को यहाँ पर राग सिखाने की इजाजत हम दे दें, तो कल तुम घुंघरू पहन करके यहाँ पर लोगों के बच्चों को कथक सिखाओगी है? और फिर यहाँ पर तमाश पीन आएंगे है? फिर ये घर तो घर नहीं रहेगा ना। और देखो बेबी, अगर आपको अपने शौक पूरे करने हो ना, तो अपनी माँ के मोहल्ले में कीजिएगा। ये शरीफों का मोहल्ला है, बाजार नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी बेटी की उम्र की लड़की से ऐसे बात करते हुए। आप सब मुनाफिक दोगले लोग हैं। अपना दिल बहलाने के लिए नाच गाने को बुरा नहीं समझते, लेकिन वो लोग जो इस पेशे से मुंसलिक है, उन लोगों को मेरासी और भांड के तजलील करने में बड़ा मजा आता है आप लोगों को। अगर यही राग रंग की महफिलें बड़े बड़े लोगों की हवेलियों में सजती, तो उन्हें उनकी मन की सरपरस्ती का नाम दे दिया जाता। और अगर गरीब फनकारी से अपनी दाल रोटी चलाने का इंतजाम करे, तो उसे कंजर खाना कहते हैं आप लोग। ये मेरे अब्बा अगर एक गुमनाम फनकार ना होते, इनके टीवी पे प्रोग्राम चल रहे होते, शाइनी अवार्ड्स मिले होते, तो इन्हीं का हाथ चूमने में फखर महसूस करते आप सब शरीफ लोग। अब्बा चलो भाई आओ। खून सफेद हो गया तेरा हारून, खून। तेरी माँ मरते मरते तुझे याद करती रही और तू गुलछड़े उड़ा रहा था। गुलछड़े, वो अब क्यों आया है ना मुराद? अब भी ना आता, वो कर्मा जली तो तेरा इंतजार करते करते मनो मिट्टी में जा पड़ी और तुझे उसके जनाजे को कंधा देने की तौफीक भी नसीब नहीं हुई। अब्बा जी मुझे माफ कर दे, मैंने वक्त पे आने की पूरी कोशिश की थी। मेरा खुदा गवाह, लेकिन और रहने दे ओए, देख ली हमने तेरी कोशिश। एक बात मेरी ध्यान से सुन, इस बार तू यहां से गया ना तो वापस मुड़ के देखना नहीं तुमने। समझ लेना कि जहां तेरी मां मर गई है वहां तो बाप भी मर गया। जी क्या कह रहे हो? और तेरी मां का जनाजा पूरा दिन पूरी रात तेरे इंतजार में ठंडा होता रहा। मैं कब तक मुर्दे को खराब करता? हाँ, मैंने तो अशरफ से भी कह दिया था कि मेरी मौत की इतला भी ना देना इसे, कहीं मेरे जनाजे पे ना पहुंच जाए। वो अब जा बैठा क्यों है? अच्छा
अब्बा उठें, हिम्मत करें, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। अरे अस्पताल जाके आसानी से मरता है, मुझे मरने दे, मरना चाहता हूँ लेकिन ये डर मुझे मरने से रोक रहा है। अरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? ऐसी बातें ना करें। ना रो मेरी बेटी, ना रो, ना रो अजय, है ना? ऐसा सही है तो खुश होना चाहिए। आप मर गया जिसने तुझे जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं दिया। आवा। चुप हो जाए, आप एक फनकार हैं और फनकार कभी हिम्मत नहीं हारते। फनकार अब्बा, अब्बा रंग से रंग न मिल पाए तो सौ सौ बल खाते हैं बेचारी बेजोड़ तो मुझे जोड़ के ला जाए अब्बा, अब्बा मेरा कोई नहीं है। कभी बेबी, मैंने तुझे बहुत इंतजार करवाया, बहुत इंतजार कर। लेकिन मैं जानता कि तू मुझसे नाराज नहीं थी, तेरे दिल में आखिरी वक्त तक मेरे लिए मोहब्बत और होठों पे आखिरी सांस तक मेरे लिए दुआ थी। तभी मैं बदनामी और तबाही के उस गड्ढे में गिरने से बच गया। मैं बेबी, तेरी आखिरी दुआ भी मुझे लग गई बेबी, मुझे लग गई। जाते जाते अपनी मौत के बहाने से ही तू मुझे वहां से निकाल ले, तू मुझे वहां से निकाल ले बेबी, वहां से निकाल ले बेबी। मैंने तुझे बहुत इंतजार करवाया, मुझे माफ कर दे, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका।
सब्र करो बेटा, सबको एक दिन जाना है, कुदरत का यही कानून है। नहीं, नहीं। अब आप लोग क्या लेने आए हैं? सकीना सकीना तू नहीं समझ सकता, इस बदनसीब बेटे का दुख। कितनी बदकिस्मत हो कि आपकी मोहब्बतें समेटने का इतना मुख्तसर वक्त मिला मुझे।